हाय, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं तुलसीराम शर्मा फिर से आपके सामने अपने आपके अपने चैनल कंप्यूटर तुलसी पे 30 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर होगा डॉक्टर एलान एम टेलिंग ने। क्वेश्चन नंबर 2, असेंबलर का कार्य क्या है? इसका आंसर होगा असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को यांत्रिक भाषा में परिवर्तित करता है, असेंबलर है ना, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है असेंबलर, एक कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का पद नहीं है? इसका आंसर होगा ए, एनालॉग। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य है? मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, तात्पर्य का मतलब उसकी फुल फॉर्म से होता है। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या जाता हो? रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 5, एक युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जाता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपने मोडेम। इसमें सिंगल टेलीफोन के माध्यम से भेज जाते हैं। मोडेम के फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन और डिमोड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न से कौन सा डीएमए चैनल में प्रयोग किया जाता है? डीएमए चैनल में होता है मोडेम, जो सिग्नलों को ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7, अपने वाणिज्यिक रूप में उपलब्ध रैम के रूप में कर सकते हैं, जो अपने कंप्यूटर सिस्टम चल रहे हैं उसमें किस प्रकार की रैम अपलोड की जा रही है? सही आंसर होगा SIMM और DIMM, दोनों प्रकार की रैम अपलोड की जा रही है। इसके अंदर SIMM की फुल फॉर्म होती है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, और DIMM होती है डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, CRT का पूरा नाम क्या है? CRT का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 9, एलसीडी एलसीडी फुल फॉर्म क्या होती है? पूरा नाम एलसीडी पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल मीडिया का एक प्रकार है? कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ए, FDD। FDD फुल फॉर्म होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। STD STD की होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। CD की होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 11, फाइबर ऑप्टिकल डाटा ट्रांसफर का क्या फायदा है? जो अपने केबल होती है फाइबर ऑप्टिकल केबल, उसका यूज क्यों करते हैं डाटा ट्रांसफर में? तो इसका आंसर हो जाएगा डाटा का तेजी से संचरण होता है, क्योंकि डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत तेज गति से जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, OSI मॉडल की पहली लेयर कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, फिजिकल लेयर। OSI मॉडल में 7 लेयर होती है। फर्स्ट लेयर होती है फिजिकल लेयर, सेकंड होती है डाटा लिंक लेयर, थर्ड होती है नेटवर्क लेयर, फोर्थ होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ होती है सेशन लेयर, सिक्स होती है प्रेजेंटेशन लेयर, और सेवन्थ होती है फिजिकल लेयर। क्वेश्चन नंबर 13, IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? IP एड्रेस 2 भागों में बटा होता है, IPv4 और IPv6। V4 होता है 32 बिट्स का और V6 होता है 64 बिट का। क्वेश्चन नंबर 14, DHCP का पूरा नाम क्या है? DHCP पूरा नाम होती है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स। क्वेश्चन नंबर 15, TCP/IP क्या है? आंसर हो जाएगा यह एक प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन
मेल भेजने की काम करता है अपना, मेल भेजना रिसीव करना सब काम होता है टीसीपी आईपी। क्वेश्चन नंबर 16, वह प्रक्रिया जिसमें जब पेज की आवश्यकता होती है तो मेमोरी से ले आता है, क्या कहलाता है वो? वो कहलाती है प्रोसेस अपने डिमांड पेजिंग। अपन कोई काम कर रहे हैं तो अपन जिस पेज की आवश्यकता हुई वो उसी पेज को अडेप्ट करके वो आप सबने मेमोरी में शो कर देता है, इसे बोलते हैं डिमांड पेजिंग। क्वेश्चन नंबर 17, पीपल शेड्यूलिंग क्या है? शेड्यूलिंग इसका आंसर हो जाएगा प्रिमिटिव। डेटा प्रिमिटिव दो प्रकार होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर आते हैं स्टैक, क्यू, एरे और लिंक्ड लिस्ट, और नॉन प्रिमिटिव के अंदर आते हैं ग्राफ और ट्री। क्वेश्चन नंबर 18, अधिकतम ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी डायरेक्टरी इस्तेमाल की जाती है, कौन सी अपनाता है? इसका आंसर होता है ट्री डायरेक्टरी। ट्री के अंदर एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी आपस में इंटरकनेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 20, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सारे प्रोग्राम को कंट्रोल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग है जो पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंट्रोल करने की प्रक्रिया कहलाती है। निम्न में से किसका इस्तेमाल फंक्शन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है नहीं किया जाता, सॉरी। इसका आंसर हो जाएगा डी, फंक्शन की रिटर्न टाइप का इस्तेमाल करने नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 22, पॉइंटर किस प्रकार का है? पॉइंटर किस प्रकार का है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, प्लॉट पॉइंटर प्रदर्शित करने का सही तरीका क्या है? जो अपन पॉइंटर करते हैं डिनोट, उसको प्रदर्शित करने का सही तरीका क्या है? अपना आंसर हो जाएगा बी, प्लॉट। प्लॉट एक पॉइंटिंग डेटा टाइप है जो पॉइंट की वैल्यू को स्टोर करता है, जबकि इंट नॉर्मल डेटा टाइप है। क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर, सी भाषा में लॉजिक एंड किसको प्रदर्शित करता है? ये कुछ आंसर हो जाएगा डी, ये लॉजिक एंड है और ये बी है, ये और का साइन है। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, सी भाषा में कितने प्रकार के लूप होते हैं? सी भाषा में तीन प्रकार के लूप होते हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर। क्वेश्चन नंबर 26, किसी टेक्स्ट को इटैलिक लिखने के लिए किस टैग का इस्तेमाल करते हैं अपन? इटैलिक लिखने के लिए अपन आई का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी, HTML में ईमेल का लिंक कैसे लिखते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए हर्प, मेल टू, डबल कोट के अंदर जो वैल्यू है वो डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से टेबल लिखने का टैग कौन सा है? टेबल पहले स्टार्ट करते हैं, टेबल, टेबल के अंदर टेबल ड्रॉ, TR मतलब टेबल ड्रॉ और TD मतलब टेबल डाटा, अपना सही आंसर हो जाएगा बी, टेबल रो, टेबल डाटा। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा, हेक्साडेसिमल का पूरा, हेक्साडेसिमल में 15 का मान क्या होता है? हेक्साडेसिमल का मान होता है 16, तो 16 डिजिट पर काम करता है, लेकिन 10 से 10 को बोलते हैं ए, 11 को बोलते हैं बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को बोलते हैं एफ, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, सभी HTML टैग किसके अंदर लिखे होते हैं? सभी HTML टैग डबल को ये हाइफन के अंदर लिखे होते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।